श्रमिक मंत्री न्यूज के हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री रेखा यजी की आज बहुत सारे योजनाओं की समीक्षा बैठक के साथ साथ जो धरातल पर कितने सही होते हुए हैं उस पर समीक्षा करने वाले हैं, खासकर सीएम साहब के कार्यक्रम भी है। आई जाने सीधे ले चलते हैं मंत्री आर्य जी के पास। ये रेखा रही जी, जिस तरीके से आज बहुत सारी योजना के एक साथ आपने पुनर्वृत्ति का समीक्षा बैठक भी किया, आज के अपनी जगह पहनाने की कोशिश किया है, लगता है कहाँ तक कुछ कमी रहेगी विभाग द्वारा कुछ? देखिए, ये हमारे विभाग की वैसे रूटीन का कार्य है और महिला सशक्ति विभाग समय समय पर अपने अधिकारियों को बुलाते रहा है और समय समय पर योजनाओं की समीक्षा होती रही है। आज उसी क्रम में जो है फिर से एक बैठक आहूत की गई है जिसमें विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट है, स्पर्श सैनिटी नैपकिन योजना है, नंदा गौरा योजना है, पोषण अभियान में है। तो आखिरकार इन योजनाओं में किस तरह से काम चल रहा है जनपदवार, उनकी परफॉर्मेंस को जानना बहुत आवश्यक था, तो इसलिए आज उनको बुलाया गया और उसमें जो दिशा निर्देश जारी होने चाहिए वो दिशा निर्देश जारी भी किए गए हैं। और मैं समझती हूँ कि इस बैठक से निश्चित रूप से हमारे अधिकारियों को भी पता चलता है कि इसमें किस प्रकार से हमारा काम होना है और उनके अंदर भी एक ऊर्जा आती है, क्योंकि जब उनके उच्च स्तर के अधिकारी या उनके मंत्री इस संदर्भ में जब जानकारी लेते हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मंत्री जी, बहुत सारी योजना की बात करें तो नंबर वन में की बात करें, आपका सूत्रों से खबर आता है कि सबसे योजना के लाने वाले मंत्री आप पहले रहे, तो क्या माने धरातल पर सबके सब पूरे हो गए, इस बात को कह सकते हैं आज आप? हाँ, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं WECD में या महिला सशक्तिकरण विभाग हो, पशुपालन हो, मत्स्य हो, डेयरी हो, मैंने यहाँ पर 2017 से लेकर अभी तक मैं इनोवेशन से लेकर पुरानी योजनाओं को संचालित करने से लेकर मैं अपने आप में आत्मसंतुष्ट हूँ कि मैं सभी योजनाओं में भली भांति एक कोरोना कालखंड कह दिए हम पीरियड छोड़ दें, क्योंकि उसमें तो सभी चीज़ें प्रभावित हुई थी, वरना मैं अपने आप में मैं कह सकती हूँ पूरा संतोषजनक, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसी ऐसी योजनाओं के बारे में हम सब लोगों ने विचार किया जो पूर्व में कभी शायद किसी सरकार ने भी विचार नहीं। मैं धामी जी का विशेष धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस संदर्भ में आगे बढ़ने का जो उन्होंने उत्साह दिया, जो आशीर्वाद दिया, उसके कारण ही हम अपनी योजनाओं को लेकर भी आ पाए और उसका मूर्त रूप भी दिया। एक अहम सवाल आपके, जितने महिलाओं के लिए आप योजना बनाया था, कि लगता है कि महिलाओं को सारी योजना लाभ मिल चुका अब तक? स्वाभाविक रूप से यदि हम नंदा गौरव योजना की बात करते हैं तो उसमें उस योजना का लाभ जो है हमारी पैदा होने वाली बच्ची से लेकर 12वीं पास करने वाली बच्ची उसका लाभ ले रही है। माँ लक्ष्मी की बात करते हैं, माँ से लेकर पैदा होने वाली बच्ची उसका लाभ ले रही हैं। 50,000 और से 55,000 के महिलाएँ जो है सालाना जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पोषण अभियान की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हमारी गर्भवती गर्भधात्री महिलाएँ और हमारे बच्चे सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आंचल अमृत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे दूध के लिए अंडे के रूप में जो है इस योजना का लाभ ले रहे हैं और जिसमें लगभग 1,00,000 बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो लगातार हमारी योजनाओं से जो कुछ भी चल कि मैं सभी योजनाओं में भली भांति एक कोरोना कालखंड कह दिए हम पीरियड छोड़ दें, क्योंकि उसमें तो सभी चीज़ें प्रभावित हुई थी, वरना मैं अपने आप में मैं कह सकती हूँ पूरा संतोषजनक, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसी ऐसी योजनाओं के बारे में हम सब लोगों ने विचार किया जो पूर्व में कभी शायद किसी सरकार ने भी विचार नहीं किया। मैं धामी जी का विशेष धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस संदर्भ में आगे बढ़ने का जो उन्होंने उत्साह दिया, जो आशीर्वाद दिया, उसके कारण ही हम अपनी योजनाओं को लेकर भी आ पाए और उसका मूर्त रूप भी दिया। एक अहम सवाल आपके, जितने महिलाओं के लिए आप योजना बनाया था, कि लगता है कि महिलाओं को सारी योजना लाभ मिल चुका अब तक? स्वाभाविक रूप से यदि हम नंदा गौरव योजना की बात करते हैं तो उसमें उस योजना का लाभ जो है हमारी पैदा होने वाली बच्ची से लेकर 12वीं पास करने वाली बच्ची उसका लाभ ले रही है। माँ लक्ष्मी की बात करते हैं, माँ से लेकर पैदा होने वाली बच्ची उसका लाभ ले रही हैं। 50,000 और से 55,000 के महिलाएँ जो है सालाना जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पोषण अभियान की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हमारी गर्भवती गर्भधात्री महिलाएँ और हमारे बच्चे सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आंचल अमृत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे दूध के लिए अंडे के रूप में जो है इस योजना का लाभ ले रहे हैं और जिसमें लगभग 1,00,000 बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो लगातार हमारी योजनाओं से जो कुछ भी चलता है उस योजनाओं का महिलाओं से गर्भधात्री से लेकर हमारे बच्चों तक उसका लाभ पहुंचता है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे विभाग ने इन 17 साल से लेकर अभी तक में 2017 से लेकर अभी तक में बहुत बेहतर काम किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यदि मैं कहूँ कि पूरे स्वरूप में कहूँ तो निश्चित रूप से विभाग की बहुत ऐसी विशेष उपलब्धियाँ हैं जो कि महिलाओं और बच्चों को हम लोगों ने समर्पित किया है। एक एमसीएल जिससे मीठा दूध बच्चों के ननिहाल को देने का काम का आपका, ये मीठा दूध बच्चों को याद रहेंगे, आप ये मानते हैं इस बात को? देखिए, हम लोग काम करते हैं इसलिए नहीं काम करते हैं कि वो हमें याद रखे, बस हमें उनको जब हम उन्हें हष्टपुष्ट देखते हैं और हम उन्हें कुपोषण से बाहर निकलते हुए देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें बेहद मन में आत्मसंतुष्टि आत्मखुशी होती है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का भी धन्यवाद देंगे कि वो इन योजनाओं में पैसा देते हैं और यदि वो हम बच्चे हमें याद भी करें तब भी हमें खुशी है, बच्चे हमारे याद ना भी करें मुझे तब भी